हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैंने किसी भी प्रकार की ब्रेड का यूज नहीं किया है। इसे हम सूजी से बनाएंगे और इसके साथ ही जो हम इसमें चटनी यूज करेंगे वो भी हम घड़ी पे बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरी यानी सुनीता वर्मा के साथ क्वाइट इनिबिटिंग मील्स। हमने 2 कटोरी सूजी ली है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास छाछ डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दही है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर कम से कम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे और हम अब चटनी तैयार करेंगे। यहाँ हमने धनिया, मिर्च और थोड़ा सा अदरक और नींबू की चटनी तैयार कर ली है। तो देखिए, हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है, मगर ये बहुत थिक है, इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो देखिए, हमारी सूजी का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से हाफ अलग कर लेंगे। अब जो हमारा हाफ बचा है इसमें हम 1 चम्मच इनो डालकर मिक्स करेंगे। तो देखिए, बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा इनो अच्छे से काम कर रहा है। अब हम एक थाली लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी इसमें लगा देंगे, जिससे हमारे सूजी का बैटर इसमें चिपकेगा नहीं। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके ऊपर एक जाली रख देंगे। जब हमारा पानी उबल जाएगा तब हम इसमें थाली रख देंगे और इसे ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, ऊपर की लेयर हमारी पक चुकी है। तो अब हम इसमें चटनी अच्छे से फैला देंगे। तो हमारी चटनी फैल चुकी हुई है। अब हम जो बाकी हाफ बैटर बचा था उसमें भी हम 1 चम्मच इनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चटनी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए, हमारा बैटर फैल चुका है। अब हम इसे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए, 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे। हमारा ये पक चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो अब हमने एक छोटा पैन लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। घी में हम थोड़ी सी राई डालेंगे। जब हमारी राई चटकने लगेगी तब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम गैस बंद करके इसे अपने सैंडविच के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे और उसे भी अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए, हमारा कोकोनट फैल चुका है। अब हम एक चाकू की हेल्प से इसे स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे और इसके बाद हम सैंडविच की तरह कट कर लेंगे। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी ये सैंडविच की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना तो बनता है। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी।